काफ़ी टाइम हो गया था बट HR का ऑफर लेटर नहीं आया था। मेल पर कंफर्मेशन आ चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन नोमिरा में हो गया है। कुछ समय के बाद जब HR का कॉल आया तो मैंने फ़ोन पर कहा, मैम इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैव ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम माई आर्टिकलशिप, आई एम वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर, आई हैव ऑलरेडी बुक माई ट्रेन टिकट्स टू मुंबई। HR सेड, प्लीज डोंट कम बाई ट्रेन, इट विल टेक टाइम, बुक अ फ्लाइट टिकट, विल रिमबर्स यू। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड दिस इज द कंपनी आई वॉन्ट टू वर्क इन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CA योगेश वर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको अपनी आर्टिकलशिप जर्नी के पार्ट 5th में ले जाने वाला हूँ। ये वो पार्ट है जहाँ पर मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब मैं RSM में आर्टिकलशिप कर रहा था, जिसकी बातें मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज में बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल के नाम पर क्लिक कर प्लेलिस्ट में जाकर, तो मैं उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। करीब 25 जून 2013 से मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई थी और अब जो है 25 जून 2015 आ चुका था और उन 2 सालों में क्या हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो RSM को छोड़ने से पहले मैं जब बाकी कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहा था, उस ड्यूरेशन में मैंने RSM में बहुत क्रीम लेवल का काम भी किया, जैसे कंसोलिडेशन का कुछ हेल्प कर दिया, कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी स्क्रैच से बना दी, कुछ कंपनीज है उसकी मैनेजमेंट को रिपोर्ट जानी है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट की, तो उसको भी कंसोलिडेट करके समरी जैसे प्रेजेंट होती है फाइनल रिपोर्ट, उसको भी जो है मर्ज कर मैंने बना दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा था कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करना है, और वो चीज़ें सीखने के साथ साथ जो है मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अप्लाई करना चालू था। मुझे करीब करीब जो है 5 कंपनियों से 6 कंपनियों से 7 कंपनियों से ऑफर आए, जहाँ पर 5-6 कंपनियों के ऑफर लेटर तक आ गए थे, बाकियों का सिर्फ मेल कन्फर्मेशन आया था कि आप आ जाओ यहाँ पर ज्वाइन कर लो, बट मैंने उसके आगे कुछ रिवर्ट नहीं करा। इन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ थी, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, HSBC, जिंदल स्टील, नोमिरा, फ्यूचर रिटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, और भी बहुत सारी कंपनीज़ थी जिनके मेल्स मेरे पास आए थे, अभी ठीक से मुझे रिमेंबर नहीं है इतना, बट जिनके ऑफर लेटर आए थे वो ये 5 कंपनीज़ थी। सबसे पहले जो मेरा सिलेक्शन है वो जिंदल स्टील में हो गया था, वो गुड़गांव में ही थी। तो मैं गुड़गांव में ऑडिट करने जा रहा था, मैंने जैसे आपको बताया अपने पिछले वीडियो में, तो जिंदल स्टील में राहुल भान सर जो हैं उनका मुझे कॉल आ गया था, वो वाइस प्रेसिडेंट है आई थिंक वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने मेरे से थोड़ा बहुत जनरल चैटिंग करी और उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप सेंड कर देना। मैं ऑफिस पहुँचा, ऑफिस पहुँचने के बाद मैं घर आया और घर आने के बाद मैंने रात को सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए। अगले दिन उनका आ गया कि भाई तुम ना आज से ज्वाइन कर लो या कल से ज्वाइन कर लो। मैंने कहा सर मेरी अभी आर्टिकलशिप पेंडिंग है, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, 1.5 महीना भी बाकी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ज्वाइन कर लो, जो पार्टनर है उनको मैं संभाल लूँगा। तो ये वाली जो है उनकी रेफरेंस लेवल थी, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं शायद यहाँ पर जाऊँगा इस पर्टिकुलर फील्ड में। मेरे जो सर थे उन्होंने भी एडवाइस करा कि MNC में ट्राई कर, अगर तुझे करनी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपनी इंडियन कंपनीज में तो कर ही लेगा बाद में। तो इस वजह से जो है मैंने जिंदल स्टील को ज्वाइन नहीं करा। माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों ने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं वहाँ नहीं आ पाया। सेकेंड जो था मेरा सिलेक्शन जो है फ्यूचर रिटेल में हो गया था, और फ्यूचर रिटेल जो थी वो आप बिग बाज़ार जिनको बोलते हैं उसका जो है बेंगलोर में ऑफिस था, और काम क्या था, ABC कंट्रोल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पैसे जो है वो सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे थे, और 10,000 रुपये में मैंने कहा कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 5,000 रुपये आपका यहाँ पर किराए पर रह लेना, 5,000 खाने का लगेगा, मैनेज हो जाएगा। मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ABC और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसमें जो है स्टॉक में मेरे को धूल खानी पड़ेगी, वहाँ पर समझ सकते हो आप बड़े बड़े गोडाउन होंगे, वहाँ पर ये वाला काम नहीं करना, बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के काम करना है। तो इस वजह से मैंने फ्यूचर रिटेल को रिजेक्ट कर दिया। फ्यूचर रिटेल के बाद जो है मेरा हुआ अविवा लाइफ इंश्योरेंस में। अविवा लाइफ इंश्योरेंस का जो था वो अच्छा था ऑफिस, मैं वहाँ गया और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ज़बरदस्त था। UK के उनके पास कॉर्पोरेट जो है क्लाइंट्स थे और उनका कुछ UK अकाउंटिंग मुझे जो है यहाँ पर करनी थी। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होता है उनका, इंश्योरेंस का बिजनेस होता है अविवा लाइफ इंश्योरेंस का। तो फिर वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, एक मैडम ने इंटरव्यू लिया था मुझे, और जो पिछला जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था उसने मेरे को शॉर्टलिस्ट कर बुलाया था, क्योंकि वो देख रहा था प्रोफाइल्स, हेल्प कर रहा था HR की, तो उसने कई लोगों को शॉर्टलिस्ट करा था और इंटरव्यू चल रहा था, और भी लोग आए होंगे, और भी रूम्स में इंटरव्यू चल रहे थे। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो इस लेवल तक चले गया था कि वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रही थी मैडम उसने कहा यू आर सिलेक्टेड बट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बाकी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसको बंद करवा कर आती हूँ। ये वो लिटरली बोलकर गई और सबको बंद करा कर आई। सिलेक्शन का मेरे को अगले दिन मेल आ गया और मैं सेलेक्ट हो गया। वहाँ पर 15,000 रुपये मिल रहे थे, दिल्ली में ही थी, गुड़गांव में थी, मेन रोड से कम्यूट करने के लिए मुझे उनकी बस भी मिल जाती है ऑफिस की, तो वहाँ से मैं जा सकता था। बट मैंने बहुत जगह पर और भी अप्लाई कर रखा था। इसी बीच जो है मुझे कॉल आ गई नोमिरा से, और नोमिरा इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई वॉज ऑफर्ड 6 लाख रुपीज़ स्टाइपेंड, दैट वॉज द हाइएस्ट स्टाइपेंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर 12 मंथ्स, 6 लाख फॉर 12 मंथ्स, बट वी वर्क फॉर 8 मंथ्स, 1 मंथ जो है मे का जो एग्जामिनेशन था जिसमें बीच में छुट्टियां ली थी, 3 महीने लीव ली थी मैंने, उसमें 2.5 महीने पढ़ाई कर पाया था, तो उस वजह से क्या हो गया करीब करीब 4 लाख रुपये आ गए 8 महीने के, तो 12 महीने के काम करने के हो गए 6 लाख, तो उस हिसाब से जो है हाइएस्ट हो गया। बट मिला मुझे 35,000 मंथली, क्योंकि मैंने
जो छुट्टियाँ थी उसके भी पैसे मुझे मिले। तो 35,000 जो है मंथली उन्होंने स्टाइपेंड रखी गई थी इक्विट रिसर्च में। उनकी पॉलिसी है नोमीरा की कि आप कभी देख कर जो है इंटरव्यू नहीं करेंगे, सिर्फ फ़ोन पर करेंगे। लुक्स शुड नॉट मैटर, कि बंदा कैसा दिखता है, कैसा प्रेजेंटेबल है, नहीं है, सिर्फ धोनी से होगा, आवाज़ से होगा इंटरव्यू। तो मेरे कॉल हुई हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च के साथ हुई, उसके बाद वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके साथ हुई, उसके बाद जो एनालिस्ट थे उसके साथ हुई, दो तीन मेरे इंटरव्यूज़ हुए, एचआर के दो तीन राउंड हुए, चार पांच राउंड के बाद मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, मेल पर कंफर्मेशन आ गई, बट मुझे ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा था। काफ़ी समय हो गया था और मैं सोच रहा था पता नहीं ये बाद में बैकआउट ना कर दें, अभी वाला लाइफ इंश्योरेंस में हो रखा है, उन्हें मना करूँ या फिर यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, बड़ा कन्फ्यूज़ चल रहा था मैं। और इसी बीच जो है HSBC जो बैंक है उसके कॉरपोरेट फाइनेंस डिवीजन से मुझे कॉल आ गई, और वहाँ के जो हेड थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हेड थे उस पर्टिकुलर डिवीजन के, उनकी डायरेक्टली कॉल आई। उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि हमारे पास ये काम है, तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे, सब कुछ बता दिया, और फ़ोन को कहा ठीक है तुम सेलेक्ट हो गए, वो काट दिया। फिर दोबारा कॉल आया, ओह शिट, इंटरव्यू तो मैंने लिया ही नहीं बंदे का, सेलेक्ट पहले ही कर लिया। एंड आई वाज लाइक यार गजब, क्योंकि उस टाइम मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, रिज्यूमे मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जिसकी कमी थी जब मैं SRCC में था उसको सबको मैंने भरपाई कर ली थी। और आज भी मेरा रिज्यूमे जो है जहाँ भी जाता है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, और 100% जो है इंटरव्यू सिलेक्शन रेट है। इसके लिए मैंने जो है लर्न्स अप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, ऑल अबाउट आर्टिकलशिप का कोर्स डाला है, फ्री है, फ्री वीडियोज़ में अवेलेबल है, और उसमें जो है मैंने अपना रिज्यूमे खोल कर दिखाया। कई लोगों के रिज्यूमे में मैंने जो है मॉडिफिकेशंस करे, उनके बड़े बड़े कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक में जो है सिलेक्शन भी हुए हैं। खैर अभी इतना मेरे पास समय नहीं होता है कि एक बंदे का मैं करूं, तो आगे जो है जर्नी को शुरू करते हैं। तो उन्होंने जो है मेरा थोड़ा बहुत इंटरव्यू उसके बाद ले लिया, अब फॉर्मेलिटी के लिए था। और कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये जो मैं आपको डिविजन्स बता रहा हूँ ना, यहाँ पर CA बनने के बाद 20 लाख से पैकेज शुरू होता है। सर अगर नोमीरा में 6 लाख रुपए का जो है करीब करीब, मतलब 4 लाख 8 महीने के हो गए, उसके हिसाब से अगर आपको स्टाइपेंड मिल रही है ट्रेनिंग में, तो CA बनने के बाद कितना मिलेगा? CA बनने के बाद जो है वहाँ पर पैकेज 30 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपीज़ तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डिवीज़न में काम कर रहे हैं। अभी तक तो हम चिल्लर सुनते आए हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, हाईएस्ट हो गया। असली चीज़ें नहीं देखी मेरे दोस्त आपने, असली चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसा क्या होता है। आई वॉज सो ग्लैड टू वर्क विद मिलियनर्स ऑफ आर कंट्री, एंड जो भाई साहब वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट TV में देखिए वो रियल में देख कर आया हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू धवल शाह एंड ऑल दी नोमीरा स्टाफ मेंबर्स, HRs, कंपनी। यार उन्होंने मेरी लाइफ बना दी यार, बिजनेस करना उन्होंने मेरे को सिखाया, स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, कंपनी के बारे में कैसे समझते हैं A to Z, बहुत कुछ उन्होंने मेरे को सिखाया जो मैं अपनी CA आर्टिकलशिप में नहीं सीख पाता था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खैर जर्नी को आगे कंटिन्यू करूँगा, बताऊँगा आपको क्या क्या और चीज़ें हो रही थी। तो HSBC का भी ऑफर आ गया, वो भी मुंबई थी, कोलाबा में थी, शायद दूर थी, साउथ मुंबई में। नोमीरा थे, उसके दो ऑफिसेज थे, एक पवई में था, मुझे लगा पवई वाला बड़ा वाला ऑफिस मेरा होगा जो बैकएंड वर्क था, दूसरा था CJ हाउस इंडियन मार्केट्स के लिए। तो भैया मेरे को CJ हाउस मिला, यानी फ्रंट एंड मिला मेरे को इंडियन मार्केट्स, और इन्वेस्टमेंट बैंक की जो कई डिविजन्स होती है, जिसकी कोर डिविजन्स डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन होती है, साथ में सेल साइड, बाय साइड होती है, रिसर्च साइड होती है, तो मैं रिसर्च साइड वाले में था। ट्रेडिंग भी होते हैं, ट्रेडर्स भी वहाँ सामने बैठे होते हैं, रिसर्च के लिए भी एक अलग कैबिन बने होते हैं, दो दो तीन तीन स्क्रीन होती है वहाँ पर, गजब के लोग होते हैं और मज़ा आता है उनके साथ काम कर कर। तो उस जगह पर जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने देखा नहीं था, मैं तो विजुलाइज़ करके बैठा था, अच्छा यार पवई वाला ऑफिस होगा जो पूरी बिल्डिंग नोमीरा की है, जिम है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, मज़ा आ जाएगा। कार मिलती है, मतलब कार से जो है आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है, बस से ट्रांसपोर्ट मिलता है, सब कुछ उन्होंने दे रखा था। तो अब हुआ क्या कि अब अभी वाला इंश्योरेंस का तो मैंने फिर रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा इसमें 15,000 रुपये हैं, अकाउंटिंग का ही काम है, मज़ा नहीं आएगा। तो जाना है तो या तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में या फिर इक्विटी रिसर्च में, नोमीरा में, दोनों ही मुंबई में जाकर डिसाइड कर लूँगा। अगर नोमीरा का ऑफर लेटर नहीं आया तो HSBC चले जाएंगे, और नोमीरा का आ गया, सब कुछ सही रहा, तो फिर HSBC को भैया मना कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे सर कि भाई कहीं और बेटर जगह मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको जो है हाथ में कई सारे ऑफर्स लेकर चलने पड़ते हैं, क्योंकि आपको अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तुरंत शुरू करनी होती है जैसे आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है। वैसे बाद में भी कर सकते हैं, बट मेरा था कि मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं जब मेरा एक महीना पहले ही वेस्ट हो चुका है, जब मैंने ट्रांसफर लिया था लूथरन से RSM में। तो ऐसे कर जो है मन में टेंशन चल रही थी, दुविधाएं चल रही थी। करीब करीब अगस्त का महीना जो है वो शुरू होने वाला था, जुलाई एंड होने वाला था, और HR का मेरे पास कॉल आया। मैं अपनी टिकट बुक कराकर बैठा था, क्योंकि मेल पर मेरे पास कंफर्मेशन आ गई थी, सब चीज़ें हो गई थी, बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर से डर लग रहा था यार कि पता नहीं बाद में कैंसिल ना कर दें, ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है, सिर्फ मेल कन्फर्मेशन आई है। डेफिनेटली नोमीरा की ऑफिशियल ID से ही मेल कन्फर्मेशन आई थी HR की, बट एक ऑफर लेटर होता है, एक तरीका होता है
वो आ नहीं रही थी, डिले पे डिले कर रहे थे। सर उन्होंने क्या चीज़ चेक करी थी आपके इंटरव्यू के लिए? उन्होंने मेरा बहुत कुछ चेक करा था यार, नोमीरा में सिलेक्शन के लिए उन्होंने मेरा कॉलेज बढ़िया है कि नहीं है, परसेंटेज कितने हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है कि नहीं है, पूछा है एचआर ने फर्स्ट अटैम्प्ट है कि नहीं है, उसके बाद आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कहाँ है, कहाँ से करी आर्टिकलशिप, उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड हुए, उसके बाद बैकग्राउंड चेक हुआ, घर पर बंदे आए चेक करने के लिए, बंदा यहाँ पे रहता है नहीं रहता। भाई इतनी बड़ी जगह जब आप जा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत वेरिफिकेशन होने के बाद। और जब एचआर का कॉल आया तो मैं तो टिकट बुक करा कर बैठा था, मैंने कहा कैंसिल क्या करवानी, या तो HSBC में जाएंगे या नोमीरा में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, टिकट तो बुक करा लो। तो अब HR कॉल कर रही है, पूछ रही है चीज़ें, मैं कह रहा हूँ मैम आई ऑलरेडी बुक माई ट्रेन टिकट्स, आई एम स्टिल वरीड अबाउट इट, आई हैव नॉट गॉट माई ऑफर लेटर टिल नाउ, आई हैव ऑलरेडी बुक माई ट्रेन टिकट्स टू मुंबई, एंड शी सेड डोंट कम बाई ट्रेन, इट विल वेस्ट योर टाइम, बुक अ फ्लाइट टिकट, वील रिमबर्स यू। एंड आई वॉज लाइक वाट, उससे पहले मैं फ़्लाइट में कभी नहीं बैठा था, और दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर मैं फ़्लाइट से बैठा भी गया भी, मुझे पहली स्टाइपेंड के साथ रीइंबर्समेंट आई भी फ़्लाइट टिकट्स की, और वहाँ से मेरी जर्नी बदल गई। उसके बाद मैं ट्रेन में नहीं जाता, फ़्लाइट में ही ट्रैवल करता हूँ मेजॉरिटी केसेस में, ऑलमोस्ट 99% केसेस में फ़्लाइट में ही ट्रैवल करता हूँ। तो दैट वाज द पॉइंट जिसने जो है मेरी जर्नी को बदला, लाइफ स्टाइल को बदला, एक नए माहौल में मुझे एंटर करने का मौका दिया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि अच्छा मेरा एक्चुअल में एलोकेशन जो है वो नोमीरा की CJ हाउस वाले ऑफिस में हुआ है, जो फ्रंट एंड मार्केट्स है, जो आप CNBC वगैरह पे जो हैं चीज़ें आती हैं ना, मार्केट चल रहे होते हैं, नोमीरा की रिपोर्ट आती है, अनाउंस करते हैं वो CNBC वाले, तो वो नोमीरा की जो रिपोर्ट अनाउंस कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स के बारे में जो आ रही, तो बना कौन रहा है? वो वहाँ पर हम बैठे थे तो वहीं पर लोग बना रहे होते थे, रिपोर्ट लिख रहे होते थे, वो रिपोर्ट जब आगे क्लाइंट्स को जाती थी, तो जिसके क्लाइंट्स और भी बहुत सारे जो हैं ब्रोकर हाउस और बहुत सारे और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और ये सब भी होते थे जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह, वो भी बाय कर लेते थे रिपोर्ट को, तो उस हिसाब से वो उसको डिस्क्लोज़ करते थे। तो किसने बनाई है मुझे पता है, अच्छा वो वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने बनाई है। वहाँ पर जो बैकेंड ऑफिस था पवई में, वहाँ भी मेरा आना जाना चलते रहता था, और वहाँ मैंने देखा कि भाई साहब लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडिया के टॉप कॉलेजेस IIM, SPGN, नरसिम्हन जी, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, अमेरिका के टॉप कॉलेजेस से कर आए हैं, और वो भी यहाँ कर रहे हैं। तो भाई साहब वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनके साथ आप जब बातचीत करते हैं, जो गज़ब का जो एटमॉस्फेयर होता है, आपको वहीं पर फीलिंग आ जाती है क्या ऑफिस। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि नोमीरा ने मुझे बनाया है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, हर कंपनी ने मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन दिया, बट नोमीरा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बिज़नेस को समझना, बिज़नेस वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सब चीज़ें मैंने लाइव करी है, देखी है वहाँ पर और सीखी है। तो कुछ इस प्रकार चल रहा था मेरा वो वाला पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। नोमीरा ज्वाइन कर चुका था 15 अगस्त के बाद, मैंने ज्वाइन करी थी 22 अगस्त से शायद मैंने ज्वाइनिंग करी थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 22 या 23 अगस्त से ज्वाइन करी थी, और एक दो दिन के बाद पवई ऑफिस के बाद हम वहाँ पर जाना शुरू कर गए थे, जहाँ पर मेरा मेन एनालिस्ट बैठे थे। और सीमेंट सेक्टर के लिए मुझे सपोर्ट करना था, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने थे मिड कैप वगैरह के, तो सबका काम करना था, और वही जो है प्रोसेस 4-5 महीने चला, जब तक मैंने अपनी लीव्स नहीं ली CA फाइनल की। बीच में जब मेरा मौका पड़ा वहाँ पे जाने का पवई वाले ऑफिस में, जहाँ पर कुछ और ट्रेनीज भी आए थे, तो मुझे पता लगा वो तो लंदन वाला जो मार्केट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को लंदन में जो है ट्रेनिंग के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप 2-3 महीने वहाँ लंदन जाकर भी कर सकते हो। बट वो है भैया मेरे को तो CA फाइनल देना है, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा यार मुझे मिल जाती अपॉर्चुनिटी तो मैं चले जाता, बट खैर अब तो फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं उसका एक अलग मज़ा है, और उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 30 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा के जो है पैकेजेस होते हैं। सर फिर आपने वो क्यों नहीं लिया, आप अगर कर सकते थे तो आपने क्यों छोड़ा, उसकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं उसको गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। और ऐसे कर जो है सीमेंट सेक्टर के बारे में सच में जानना, मार्केट रिसर्च करना, कई बार ग्राउंड पर भी हम चेक करने चले जाते थे, वो भी था, और बड़ी कंपनीज़ के वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, तो बहुत सारी जो है एक्सपोजर मुझे वहाँ पर मिला है। जिन कंपनीज़ में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर काम करते हैं, कहते हैं 20-22 लाख का पैकेज मिल गया, हम सीधा ही जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट से उन कंपनीज़ में जो है डायरेक्टली जो है मीटिंग हो जाती थी, मैनेजमेंट कॉल से उसमें हम जाते थे, तो काफ़ी चीज़ें जो है मैंने सीखी वहाँ पर, एक्सपोजर मुझे मिल रहा था। और जनवरी एंड जैसे जैसे आया तो उसके बाद मैंने अपनी लीव्स ले ली थी फाइनल की, तो जनवरी एंड में मैं यहाँ दिल्ली आ गया था। एक हफ़्ता मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को डाइजेस्ट करने में लगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। SRCC की एलुमनाई मीट मैंने अटेंड करी थी उस टाइम, फरवरी में होती है हर साल, अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही है, तो वो सब चीज़ें हुई। तो करीब करीब मोमेंटम बनने में 15 फरवरी का दिन आ ही गया, और एग्ज़ाम्स कब होते हैं, मई में होते हैं, यानी कि 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल और फिर मई, यानी 2.5 महीना मेरे को मिला एक्चुअली में पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप 2.5 साल के बाद मोमेंटम में आते हो समय लगता है, 2 साल 2.5 साल के बाद थोड़ा सा समय लगता है काम मोमेंटम बनाने में, तो वही मोमेंटम में मेरे को 15 दिन वो लग गए थे कि जाना, दोस्तों से मिलना, रिफ़्रेश करना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा, माइंड मेकअप करना।
करीब करीब जो है 15 फेब से मेरी इफेक्टिवली स्टडी शुरू हो गई, जिसमें मैंने सीए फाइनल ग्रुप वन देने का सिर्फ फैसला करा, क्योंकि 2.5 महीने थे और 2.5 महीने में आप ज़्यादा पहले कभी कुछ पढ़ा नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया SFM का थोड़ा बहुत बेसिक पता है, और AA में पहले पढ़कर भूल गया था मैं, वो 30% करा था, तो SFM थोड़ा बहुत कर रखा है। लॉ पूरा करना है, ऑडिट पूरा करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट पूरा करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरा करना है, कैसे होगा सर? ऊपर वाले की दया से जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तो लेक्चर्स प्रवीण शर्मा सर के यूट्यूब पर फ्री थे उस टाइम, सारे के सारे लीक हो गए थे, क्या थे मालूम नहीं, बट यूट्यूब पर पड़े हुए थे। एक महीना मैंने सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को दिया, 15 फेब से 15 मार्च। मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा, पेशेंस, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब कुछ चाहिए होता है। देखा मैंने क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरा वीक है, कैसे होगा। अच्छा, लॉ और एक थ्योरी है, बाद में हो जाएगा, एक एक हफ्ता 10-10 दिन पढ़ लूँगा, पास हो सकते हैं, 40 से क्रॉस हो जाएगा। 2 प्रैक्टिकल स्कोरिंग है, वो मैं कर सकता हूँ, ऐसे भी हम थोड़ा पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में टाइम लगाते हैं, एक महीना पूरा टाइम लगाया, 15 फेब से 15 मार्च तक करा। प्रैक्टिस मैनुअल हो गई, नोट्स हो गए, सारे नोट्स बना लिए पूरे क्लियर राइटिंग में, ICA का RTP वगैरह देख लिया, सब कुछ कर लिया। एक महीने में लगे रहा, एक दिन में मैं करीब 9 घंटे पढ़ता था उस टाइम, 8 से 9 घंटे पढ़ता था। वीडियो लेक्चर्स 3 मेरे को निकालने होते थे, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं वो निकालने, बट उसमें इफेक्टिवली 2 घंटे देखूंगा, ज़्यादा नहीं देखूंगा। फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है उसको हटा देने का है, एक आधे क्वेश्चन करना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट देख लेने का है। ये सारे वीडियोस फ्री थे, तो फ्री वीडियोस मैंने देख ली है। और उसके बाद SFM मैंने जैसे बताया 70% मेरा पहले ही हो गया था, उसकी एक कॉपी बनी हुई थी, तो मैंने क्या किया, SFM की उस कॉपी से एक और नई कॉपी बनाई ताकि सारा रिफ्रेश हो जाए और एक नए नोट्स तैयार करे। इसके लिए मैंने 15 दिन लिए, तो करीब करीब जो SFM था वो मैंने अप्रैल में शुरू करा था, थोड़ा समय के बाद शुरू करा था। 15 मार्च के बाद जो टाइम था, 2 हफ्ते थे, उसमें मैंने जो है ऑडिट को थोड़ा समय दे दिया था। ऑडिट को समय देने के बाद समझ में आया कि यार ये तो याद नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, एसेज हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, और फिर और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, याद नहीं हो पा रहे हैं, बुक से कैसे करूँगा। तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि चलो स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोफेशनल एथिक्स जो है 40-50 नंबर का आता है, तो उसको अच्छे से कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, बार बार रिवाइज़ करेंगे। और डेली सुबह उठकर 3 घंटे में वही पढ़ता था, और उसके बाद बाकी का दिन जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता था। तो ऐसे कर जो है मैंने ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाई। फिर जो लॉ था, लॉ में कंपनी लॉ मेरे को काफ़ी हद तक आता था पहले से, मेरा स्ट्रॉन्ग था इंटरमीडिएट में, और साथ में कॉलेज में सब कुछ पढ़ा हुआ था, तो लॉ के लिए मैंने कॉपी तैयार कर ली उन्हीं दिनों में जो 15 दिन मेरे चल रहे थे 15 मार्च के बाद वाले। बीच में थोड़ा सा समय लेकर 3 दिन निकाले, और फिर मैंने जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को दोबारा से रिवाइज कर लिया। देन कम्स SFM। SFM पर मुझे टाइम देना था, और लॉ और ऑडिट जो था वो मेरा एक बार हो चुका था, वो 15 दिन में थोड़ा थोड़ा हो गया था। मैंने 2 दिन का ही कहीं पे जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, मुझे याद नहीं, लक्ष्मीनगर में मैं चले गया था, एक मैसेज आया था, चले गया, जाकर बैठ गया ऑडिट के लिए, जो जो बताया सुन लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगी तो वो क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, फिर आकर जो है खुद ही सेल्फ स्टडी करनी थी। तो ऐसे ऐसे करके जो मेरे 2.5 महीने वो चल रहे थे, उस 2.5 महीने में ही क्लियर करना था, बड़ा मुश्किल था। SFM जो है 70% जैसे मैंने बताया हो चुका था मेरा, कॉलेज में भी मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, और कुछ मैंने वीडियो लेक्चर्स पहले देख लिए थे 2-1.5 साल पहले, तो उस वजह से जो है मैंने उसको पूरा का पूरा रिकॉल करा, पूरा पूरा नोट्स दोबारा से बनाए, और नोट्स बनाने के बाद मैंने जो बाकी का 30% था उस पर भी फोकस करा, और 15 दिन मेरे ऐसे ही चलते गए। तो करीब 15 अप्रैल तक जो है मेरा SFM हो गया था, 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक SFM हो गया था। ऑडिट मैं कर चुका था एक बार, लॉ में एक बार कर चुका था, पक्की नहीं हुई थी, बट एक बार मैंने कर लिया था, नोट्स कॉपी बन गई थी, और एक महीना तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को दे ही चुका था। तो अब करीब करीब जो 17 अप्रैल आ गया, तो उसमें मैंने डिसाइड करा कि मई में एग्ज़ाम है, तो लास्ट का जो 4-5 दिन होंगे वो तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही करूँगा, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। 25 के बाद 26 के बाद मैंने छोड़ दिया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा। अब मेरे पास बच गए 8 दिन। इन 8 दिन में मैंने कहा चलो तीनों सब्जेक्ट की रिवीजन लगाते हैं। तो 8 दिन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पहले के 3 दिन सिर्फ SFM के लिए जो है मैंने रख लिए, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने वो 17 दिन दिए थे SFM के लिए, 15-17 दिन जो दिए थे, उसमें मैंने नोट्स तो फटाफट बना लिए, पहले हफ्ते में ही पूरे नोट्स बन गए थे। अच्छा, 70% बने हुए थे, रिवाइज़ करे, फ्रेश कॉपी एक और बनाई, और 30% का और रिवीजन कर बना लिया कि अच्छा इसमें ये होता है, सब कुछ पढ़कर वो तो पहले हफ्ते में बन गए। तो बाकी के 10 दिन क्या किया, बाकी के 10 दिन उनके क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन आंसर्स, उसमें इंपॉर्टेंट टिक लगाने, क्या ट्रिक्स है उसको कॉपी में इनकॉर्पोरेट करना है कि भाई फाइनली जब 1.5 दिन पढ़ूंगा तो यही पढ़कर जाऊंगा, तो वो चीज़ें करनी है। फिर जो मेरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पहले का जो 3 दिन मैंने फिक्स करे थे SFM के लिए, उसमें मैंने 1 दिन पूरा रिवीजन करी नोट्स की, और 2 दिन जो क्वेश्चंस मार्क करे हुए थे उन क्वेश्चंस को दोबारा से देख लिया। उससे पहले के कुछ दिन और बच गए, 8 दिन में से 3 चले गए, 5 बच गए। इन 5 दिनों में जो है मैंने 2 दिन ऑडिट के लिए रख लिए, और 3 दिन मैंने लॉ के लिए रख लिए रिवीजन के लिए। तो उसकी फटाफट रिवीजन कर ली मैंने, जो जो कॉपियाँ बनाई हुई थी, जैसे जैसे मार्क करा हुआ था। अब 5 दिन थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी। अब मेरे पीछे जो है यहीं पर डिसेंट पब्लिक स्कूल है, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं, 1/2 किलोमीटर का रास्ता होगा, पार्क क्रॉस करेंगे, एक रोड क्रॉस करेंगे, और बस उसके बाद आपको वो डिसेंट पब्लिक स्कूल दिख जाएगी। ज़्यादा दूर है नहीं, 10 मिनट का रास्ता है पैदल का मुश्किल से।
तो अब पेपर था, आप कैसे जाना है भाई? यार मैं बड़ा चिल बंदा हूँ यार, पेपर देने के लिए बड़ा मस्त जाता हूँ मैं, मेरे को कोई टेंशन रहती नहीं है, मैं अपने आप को टेस्ट करने जाता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ICA क्या चेकिंग करेगा। अरे तुम पेपर लाओ, मैं अपना बेस्ट करूँगा, मैं देखूँगा, इंप्रूव कर रहा हूँ यार। तो मैं उस हिसाब से जाता हूँ, मैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने जा रहा होता हूँ पेपर में। हमेशा ही मैंने SSCA के एग्ज़ाम्स दिए, नेवर एक्सपेक्टेड कि कितने नंबर आएंगे। मैंने अपनी एक बॉटल उठाई, टाइम हो रहा था आधे घंटे पहले, तो बॉटल उठाई अपनी एक पानी की, गर्मी का टाइम था, मई का माहौल था, और एक पाउच लिया, उस पाउच में थैली का पाउच था, उसमें सब कुछ डाल दिया, रोल नंबर अपना, स्केल, पेंसिल, रबड़ शार्पनर, पेन वेन सब कुछ डाल दिया, और बस एक बॉटल हाथ में और एक आपका वो पाउच लेकर अपना निकल गया। आराम से गया, मस्त पजामे में था, घर की ड्रेस पहनी हुई थी, जाकर देखा तो पंखा चल नहीं रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़े मज़े ले लेते हैं, टीचर को बोला गर्मी हो रही है मैडम, पंखा नहीं चल रहा है। मैंने कहा अच्छा पंखा नहीं चल रहा है, तो तीन टीचर ने चक्कर काटे वहाँ पर, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है। अब पंखा तो कैसे ठीक कर रहे हैं, कहते तुम जो है आगे बैठ जाओ जहाँ पर पंखा चल रहा है। उन्होंने मुझे आगे की सीट दे दी, और ये मेरे लिए जो है एक तरह से वरदान साबित हो गई, क्योंकि आगे बैठे हो तो टेंशन नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, कोई चीटिंग के लिए प्रेशर नहीं करेगा, इधर उधर के बच्चे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से पेपर में आप ध्यान लगा सकते हो। तो उससे जो है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बॉटल मैंने साइड में रखी, और जो पेन वेन थे वो भी मैंने नीचे कहीं डाल दिए थे, रोल नंबर भी मेरा कहीं उड़कर चले गया था, पता नहीं इधर उधर भाग गया था, मेरा पूरा ध्यान वो जो था भाई साहब 3 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में था। ICA का पेपर जो था May 16 का, उसमें उन्होंने FR के पेपर में पहले जो 25 से 30 नंबर थे वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन दे दिए, जो कि कॉमन होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में म्यूचुअल फंड है, SFM में म्यूचुअल फंड है, कई सारी चीज़ें हैं, 25 से 30 ये SFM कैसे आ गया इस पेपर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? मैं तो स्ट्रेटेजिकली चल के गया था कि उससे पहले मैंने SFM भी रिवाइज करा हुआ था और फिर मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करा हुआ था, तो एक लहर में चल रहा था, फटाफट सारा करते गया कंसोलिडेशन का लास्ट में करा क्वेश्चन, और करीब 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर आ गया। मैं बाहर निकल कर देखा तो वहाँ बच्चे कहते हैं पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, 80 मार्क्स का हुआ, 70 का हुआ, मुश्किल आया, लेंदी आया। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मेरे तो 3 घंटे उसमें घोड़े दौड़ रहे थे आपके एग्ज़ाम को करने के लिए, एक एक क्वेश्चन को टेक्टिकली कर रहा था मस्त एकदम से, और करने के बाद आ गया, SFM की रिविजन करी, नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करी, जो मार्क करते उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करा, चले गया। अब इस टाइम जो है मुझे सीट जो है दूसरी वाली मिल गई, बीच वाली, जहाँ जो मेरे नॉर्मली रोल नंबर पर आ रही थी। अब यहाँ दिक्कत हो गई, यहाँ पर मैं पेपर कर रहा हूँ, पेपर के बीच में जो है साइड वाला बंदा जो है वो कह रहा बता ये वाला आंसर बता, दिमाग ख़राब कर रहा है, आधे घंटे तक दिमाग ख़राब करते गया, मैंने नहीं देखा, बट कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है गड़बड़ हो जाती है, उस वजह से जो है 5-7 नंबर से एग्जेम्पशन रह गई, 5 नंबर से एग्जेम्पशन रह गई, उसमें भी एग्जेम्पशन मेरी आ जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ख़राब करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, पता नहीं स्टूडेंट्स हैं क्या है मालूम नहीं, सी ये बनने आए हैं क्या करने आए हैं, चीटिंग क्यों कर रहे हैं भाई, परेशान क्यों कर रहे हैं दूसरे बंदे को, मैं देखूंगा मेरा पेपर ना कैंसिल हो जाए, मैं क्यों देखूं भाई उस तरफ, मैं तो अपने कॉन्सेंट्रेशन से अपना काम ही कर रहा था। बट इग्नोर करने के चक्कर में जो आधा घंटा था दिमाग खाते गया आवाज़ आती गई इधर उधर से, और टीचर भी थोड़े से इन्विजिलेटर भी ऐसे थे, एक दो बार तो मैंने उनको डांट दिया, स्कूल के टीचर, CA वाले इन्विजिलेटर की बात नहीं कर रहा मैं, CA तो अलग अलग रूम्स में राउंड माने जाएगा, बाकी तो स्कूल वाले टीचर थे, बाहर चले गए क्लास के, क्लास खाली हो गई थोड़ी देर में आ गए, कई बार तो मैं डांट देता था, मैंने कहा क्या कर रहे हो चीटिंग हो रही है, बुलाओ मैं इन्विजिलेटर को, CA को बुलाओ मैं खुद डांट देता था उस टीचर को, एक आध बार मैंने डांटा है, ग्रुप टू में भी डांटा है मैंने, वो चुप हो गई, हाँ उसकी डांट मैंने और भी बताऊंगा मैं आपको आगे, डांट लगवाई है CA से मैंने बहुत ज़्यादा, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं क्या कर रहे हो यहाँ पर आप, तो आगे डांट वाला जो है सीन वो आगे आएगा, क्योंकि भाई मेरे शुरू से मैं इंस्टीट्यूट के लिए मैं क्यों नहीं सुनता, आप मुझे क्या बोलते हो इंस्टीट्यूट के लिए, आप बोलते हो, मैं मानता हूँ भाई हो सकता है कि 1% 2% लोगों का कभी हो सकता है 4-5 नंबर 10 नंबर कुछ हो गया हो भाई चूक किसी एग्जामिनर से, मानता हूँ मैं कभी हो गया हो, बट इसके अलावा कुछ नहीं भाई, अपना सिस्टम ज़बरदस्त है, ICA का चेकिंग सिस्टम वगैरह बहुत ख़तरनाक है भाई, जो इन्विजिलेटर आते हैं, जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्ट है, मैं मिला हूँ जो एग्ज़ामिनर हैं उनसे मैंने बात करी है, जो वहाँ पर छोड़ चुके हैं अब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को, कुछ और काम कर रहे हैं, उनसे बात करी है, उन्होंने कहा फुल प्रूफ है सर, हम कुछ नहीं कर सकते, तगड़े सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत सबको होती है, और बेटर होना चाहिए, और डिजिटलाइज होना चाहिए, कर रहे हैं, डिजिटलाइज चेकिंग करेंगे, वेबकैम लगा देंगे भैया जो चेक कर रहा है उसका फोटो आएगा वहाँ पर, बहुत चीज़ें और कर रहे हैं, करो इम्प्रूव करो, अच्छी बात है, बट सिस्टम में कमी नहीं है सर, जैसा पेपर आता है आज तक लीक नहीं हुआ, CA का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है, पता है ना आपको ये, जैसे आता है एक दिन पहले बैंकों में पहुँचता है पेपर, पहले पता नहीं होता कौन सा सेट आएगा, वो सीधा प्रेजिडेंट जो चूज़ करते हैं वो अगले दिन वही वाला सेट जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिल्कुल सस्पेंस होता है, एग्जामिनेशन की बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है, और मैं CA बनना चाहता हूँ अपने आप को, तो मैं वैसे ही रिप्रेजेंट करूँगा, मेरा शुरू से एटीट्यूड वैसा रहा है, जैसे CA बनकर होना चाहिए वो एटीट्यूड शुरू से रहा है,
आईसीए के जर्नल पढ़ना, वेबसाइट को विजिट करना, आईसीए के जो नए नए चीज़ें आ रही है उसको जानना एज ए स्टूडेंट शुरू से रहा है, तो वो जब मेथडोलॉजी रहती है, वो जो तरीके होते हैं, तो आप फिर सीए बनते हैं, भीड़ में से आप निकलते हैं, क्योंकि आप बाकियों से अलग हैं, बाकियों से भिन्न हैं आप। अगला पेपर मेरा ऑडिट का था, ऑडिट का पेपर मेरा ढंग का हो गया था, बट मुझे नहीं पता कि उसमें टेक्निकल वर्ड ज़्यादा लिखने होते हैं, क्योंकि टेक्निकल वर्ड मेरे को ज़्यादा याद नहीं होते हैं। मैंने सारी चीज़ समझ ली, चीज़ें याद भी कर ली सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश भी पूरी लिख कर आया मैं, और करीब करीब 80 मार्क्स का मेरे को पेपर आता भी था। बट वो 80 मार्क्स का पेपर आने के बाद भी मुझे लगा 60 आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टेक्निकल भाषा मैंने नहीं लिखी। इसके लिए मेरे नंबर उसमें शायद 46 के करीब आए थे 80 मार्क्स का सही करने के बाद भी। तो आप कह सकते हैं कैसे मेरे नंबर जो है 34 नंबर मेरे कट गए 80 में से। मैं मान के चलता हूँ चलो 10 का गलत भी हो गया हो, तो 70 मार्क्स का जो मैंने सही भी करा उसके बाद भी 46 नंबर आए, यानी करीब करीब 24 नंबर मेरे सिर्फ लैंग्वेज की वजह से कटे होंगे जो मैंने टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखी, क्योंकि मेरे को नहीं याद करनी यार टेक्निकल लैंग्वेज, मैं अपना खुश था उसमें। अब ऑडिट का पेपर मेरे हिसाब से तो ढंग का हो गया था, अब उस दिन क्या हुआ पता नहीं, मुझे यहाँ बताना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं बताना चाहिए भाई, उस दिन बहुत बुरा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था उस दिन यार, शाम को 5-6 बजे आया था मैं, 5-6 बजे आया था, मैंने कहा इस बार तो ग्रुप वन निकल ही जाएगा, पहला पेपर चले गया, दूसरा चले गया, ठीक ठाक चले गया, और ऑडिट भी ठीक ही हो गया, लॉ में पास हो गए तो निकल जाऊँगा। उस दिन मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, उस दिन मैंने गूगल पर पॉन सर्च कर लिया, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में गलत वेबसाइट पर पहुँच गया, और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। कॉलेज से निकलने के बाद मैंने पोर्नोग्राफी कभी देखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में, कभी भी एक आध बारी कभी पहले भी देखा था, कभी भी नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में, बाई चांस कोई दोस्त वगैरह ने लगा लिया कुछ कर लिया तो देखा था, बट उस टाइम एक्साइटमेंट इतनी थी, और पता नहीं गलती से मैं वेबसाइट पर चले गया, और वहाँ पर कुछ घंटे बिताने के बाद सो गया, और सोने के बाद अगले दिन सुबह 1:30 बजे आँख खुली, 1:30 बजे उठने के बाद समझ नहीं आया, दिमाग घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे कि भैया अगले दिन लॉ का पेपर देना ही, ये मैंने ब्लंडर करा इतना बड़ा, और मुझे बताना भी नहीं चाहिए था मैंने ब्लंडर करा, बट यार मैं अपनी गलतियाँ नहीं छुपाता हूँ, जो चीज़ें हुई है भाई वो बताने मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि ठीक है यार जो होना था हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं उसे, पर सर घूम रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, 1:30 बजे तो आँख खोली है दोपहर में, अगले दिन पेपर है, इतना सारा लॉ पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। ये मैं फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ा कांड हुआ था मेरे साथ, और मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही है लाइफ में एक। अब पढ़ना शुरू करा, कॉर्पोरेट लॉ जो था उसमें कई सारे और लॉज भी थे, कॉर्पोरेट लॉ भी था, कॉर्पोरेट लॉ शुरू करा, रात तक रिवीजन कर ली मोटा मोटी, अगले दिन सुबह उठा, सुबह उठने के बाद जो बाकी लॉज थे उसको भी थोड़ा बहुत देखा, नहीं हो रहा था, याद नहीं हो पा रहा था, फिर भी कोशिश करी, थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली, और एग्ज़ाम से जो है 2-3 घंटे पहले फिर कॉर्पोरेट लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लिया, और पहुँच गया डिसेंट पब्लिक स्कूल यहीं पे पास में, वहाँ पर चले गया भाई। जाकर जब पेपर मिला और पेपर देखकर मुझे लगा यार तो दोबारा आना पड़ेगा भाई, ग्रुप वन तो मेरा नहीं निकलने वाला, ये तो बहुत बड़ा मैंने ब्लंडर कर दिया, ग्रुप वन तो गया। फिर कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाई कि भाई इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए, दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करा जाए। बड़ी मुश्किल से लिखना शुरू करा, मैंने कहा जितना आता है थोड़ा बहुत लिखो, 2 क्वेश्चन ही आते थे मुझे उसमें, 16-16 नंबर के, 32 नंबर के, सिर्फ 2 क्वेश्चन आते थे पूरे 100 नंबर के पेपर में, और तीसरा वो 32 नंबर के मैंने क्वेश्चन करे, जब 32 नंबर के क्वेश्चन मेरे हो गए जिसमें से मुझे लग रहा था चलो 20-25 नंबर मेरे आ जाएंगे 32 का ठीक कराए तो, क्योंकि सेक्शन नंबर वगैरह इतने नहीं लिखे या जो भी हैं प्रोविजंस वगैरह की ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, और MCQ नहीं होता था उस टाइम, तो चलो ठीक है 20-25 आ जाएंगे, अगर मैं कहीं ना कहीं से 15-20 नंबर और जोड़ लूँ इसमें, दिमाग लगा रहा हूँ, पेपर चल रहा है 3 घंटे हो रहे हैं, करीब करीब 1 घंटा ज़्यादा हो चुका है 1 घंटे से, तो दिमाग लगा रहा हूँ क्या करूँ ऐसा। तो सोच सोच के जो है मैंने अपने याद करना शुरू करा, जो मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई करा करता था उसके ही कुछ जो है क्वेश्चन आए हुए थे, जो रीना चड्डा मैम ने पढ़ाया था, काफ़ी इफेक्टिव टीचर थी, तो दिमाग में वो चीज़ छपी हुई थी, प्रोड्यूसर कंपनी हो गया, कुछ और छोटे मोटे और क्वेश्चंस हो गए, दिमाग लगाया कि कैसे करें, प्रोविजंस तो याद नहीं बट फिर भी ठीक आंसर कैसे कर कराएं, उसी टाइम स्ट्रेटेजी चल रही है कि इसको कैसे टेक्निकली हैंडल किया जाए, तो पूरी कोशिश करी और 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चंस किसी तरह मैंने वहाँ पर लपेटे कि हाँ इसको भी ढंग से जो है काफ़ी हद तक मैं कर सकता हूँ। तो 32 और 16 कितने हो गए, 48 मार्क्स हो गए। अब मैंने 48 मार्क्स तक का करीब करीब ठीक ठाक पेपर कर लिया था, 48 मार्क्स ही मुझे लग रहा था चलो 30 तक तो शायद आ जाएंगे, बट पास होऊंगा नहीं होऊंगा भी गारंटी नहीं है, तो 52 मार्क्स का मेरा पेपर बाकी था, 52 में से 20 नंबर का मैं पूरा ब्लैंक था, तो मेरे लिए फिर वो इफेक्टिव पेपर 80 मार्क्स का ही बच गया था, क्योंकि 20 नंबर का तो मुझे आता ही नहीं था, वो तो छोड़ कर ही आना था मुझे, तो वो अब जो मेरा 32 नंबर था उसके लिए लास्ट का मेरे पास 1 घंटा बचा हुआ था, 4 बज गए थे, 5 बजे तक का टाइम था, और 48 मार्क्स तक का मैंने ठीक करा था जिसमें मैं 30 नंबर ही स्कोर कर पाता मुश्किल से,
अब वो आखिरी घंटा मुझे दिमाग लगाना था कि इसका बस मैं कैसे आंसर फ्रेम करूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई ढंग से उतार कर और जो मेरे को बातें बताएं कि ये होना चाहिए वो लिख देता हूँ जितनी भी चीज़ें मुझे आती है। और वैसे ही मैंने हर क्वेश्चन के आंसर में करना शुरू करा कि जितना लपेट सकता हूँ लिखता हूँ, गलत कुछ नहीं लिखना, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखो और थोड़ा बहुत जो सही चीज़ें आपको पता है कि ऐसा होना चाहिए वो डायरेक्टली लिख दो। उसकी रीजनिंग नहीं पता या प्रोविजन से याद नहीं है बट होना क्या है, कंक्लूजन क्या होना है, वो चीज़ें लिख दो। तो वैसे ही मैंने लिखा और करीब करीब 80 मार्क्स तक का मैं पेपर कर पाया। उसके बाद मैं घर आ गया और भगवान भरोसे छोड़ दिया कि भाई ग्रुप वन निकलेगा नहीं निकलेगा। लॉ का पेपर गया और एग्जामिशन नहीं है तो चारों देने पड़ेंगे, और एग्जामिशन आ गई तो भी हो सकता है ग्रुप वन दोबारा देना पड़े। तो ये बहुत बड़ी टेंशन थी। नोमिरा में तो मैंने दोनों ग्रुप का बोलकर ही छुट्टी ली थी, तो एक हफ्ता मेरा चिल था और उसके बाद नेक्स्ट वीक होने के बाद जो है पूरा होने के बाद एग्ज़ाम्स पूरा होने के बाद मैं नोमिरा की दोबारा से फ्लाइट टिकट बुक करा ली, मुंबई चले गया मैं। और मुंबई जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो है मेरे एनालिस्ट हैं उन्हें फायर कर दिया गया है, वो अब निकल चुके हैं जो सीमेंट सेक्टर की कवरेज कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो खाली बैठ गया था, फिर वहाँ पर क्या करूँ उसमें। तो वहाँ पर जो दूसरे एनालिस्ट थे जो ऑटो सेक्टर का कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे बोला कि भाई तू मीडिया सेक्टर की रिसर्च शुरू कर, इनिशिएट कर। मेरी परफॉर्मेंस मतलब काफ़ी लोग मुझे जानते थे, अच्छी रही थी, काफ़ी नाम मैंने वहाँ बना लिया था, मतलब कि किसी भी तरीके से हो, चाहे थोड़ा बहुत काम से हो चाहे एटीट्यूड से हो, लोग सब जानते थे पूरे फ्लोर पे मुझे। और वहाँ पे एक और भी चीज़ है, वहाँ पर जो टेबल होती थी ना उस पे आपका नेम प्लेट लगती थी, योगेश वर्मा या जो भी है, विनीत वर्मा या मिहिर, मेरा दोस्त है जिसका मैंने इंटरव्यू डाला, मिहिर मनोहर, वहाँ पे नेम प्लेट लगा करती थी, हर डेस्क पर नेम प्लेट होती थी। वो भी एक अलग फीलिंग थी जो स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पर देखी थी जब मैं वहाँ पहुँचा था। तो अब करें क्या, मीडिया सेक्टर की रिपोर्ट मिल गई है और समझ नहीं आ रहा क्या करें, प्रेशर है। वो कह रहे हैं कि भैया अगर कर लेता हूँ मैं उसको, अगर मैं उसको इनिशिएट कर लेता हूँ, क्योंकि 2-2.5 महीने मेरे पास बाकी हैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म होने में, और उसमें मैंने कर लिया अगर, हालांकि उसमें 6 महीने लगते हैं, पर अगर मैंने कर लिया तो भाई 30 लाख रुपये पक्के, मतलब कि नौकरी मिलती 30 लाख रुपये पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जॉब परमानेंट हो जाएगी। और उसके बाद इक्विटर सर्च में भाई साहब ज़बरदस्त बोनस और ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मिलती है और मज़ा आ जाता है। बट प्रेशर, एक तो ग्रुप वन निकलेगा नहीं निकलेगा, ग्रुप टू भी देना है, एनालिस्ट भी चले गए हैं, दूसरा नया सेक्टर पकड़ा दिया, उसकी पूरी रिसर्च स्क्रैच से करनी है। कोशिश करी, 2 हफ्ते करी, चीज़ें पकड़ में आ रही थी, बट एट दी एंड थोड़ा सा मैं घबरा गया उस टाइम कि क्या करूँगा यार, अभी ग्रुप वन भी करना है और इसमें मैं आगे टाइम दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा ग्रुप टू करने के लिए। बहुत सारे इफ एंड बट थे और इस वजह से फिर मुझे लगा कि नए सेक्टर की रिसर्च में समय वेस्ट करने से बढ़िया किसी और डिवीज़न का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया जाए, क्योंकि 2 महीने बाकी हैं अब। तो मैंने हेड को जो है रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे फाइनेंस कंट्रोल में आप शिफ्ट कर दीजिए, तो फाइनेंस कंट्रोल में उन्होंने मेरे को शिफ्ट कर दिया पवई वाले ऑफिस में, और वहाँ पर मैंने 2 महीने थोड़ा सा जो है 2 महीने फाइनेंस कंट्रोल डिवीज़न में मैंने बिताए। उनको जाना तो जो हमारा इक्विटर सर्च होता है वो चाइनीज़ वॉल वहाँ पर एक लगी होती है। चाइनीज़ वॉल से क्या होता है कि आपके पास जो है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपके पास सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल जिनके पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो वो चाइनीज़ वॉल का कॉन्सेप्ट होता है, गूगल करिएगा आप, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पर मेरा पूरा जो सिस्टम एक्सेस वगैरह थी वो पूरी की पूरी चेंज होने में हफ्ता भर लग गया, 10 दिन लग गए थे। हांगकांग का काम रहता था और यहाँ पर हमें कुछ रिपोर्टें वगैरह वो बनाते थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम था बैकएंड, क्योंकि फ्रंट एंड में आप सीधी चीज़ें देख रहे हैं, बैकएंड में आपके पास चीज़ें कर कोई रहा है, हो कहीं पर ही है, और बैकएंड की जो चीज़ें हैं वो आप उन शीट्स पर जो है गेम खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझने में दिक्कत होती है। फ्रंट एंड तो बड़ा क्विकली समझ में आता है। तो वो सब चीज़ें मैंने करी और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के थोड़े सजेशन दिए, थोड़ा बहुत टीम के साथ बातचीत करी और जाना उन लोगों को, और फाइनली जो है मेरा रिज़ल्ट आ गया, CA फाइनल का रिज़ल्ट मेरा आ गया। तो उसमें जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा भाई अपना रोल नंबर दे दे, मैंने दे दिया, मैंने कहा मैं किसे वही है छुपाता नहीं हूँ, डरना नहीं है, ले लो देख लो। रिजल्ट आया एंड द रिजल्ट वॉज 69 मार्क्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसको 1 महीना दिया था, 55 मार्क्स इन SFM जिन्हें 17 दिन दिए थे और पहले थोड़ा बहुत पढ़ के रखा हुआ था, 46 मार्क्स इन ऑडिटिंग एंड 44 मार्क्स इन लॉ क्लियर्ड। अब ये क्लियर हो गया, अगस्त पूरा होने वाला था, नोमिरा की ट्रेनिंग मेरी पूरी होने वाली थी, तो 23 अगस्त 16 जो है उसको मेरा पूरा होने वाला था। वो तो ऐसे थे कि आप करते रहो यहाँ पर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे देते रहेंगे, आप ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू कर लो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट भाई मुझे तो दिल्ली वापस आना था, मुझे तो अपना ग्रुप 2 क्लियर करना था, तो मैं तो कहा मैं नहीं, मुझे तो चाहिए भैया, मेरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग खत्म हो रही है, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मुझे जाना है वापस। और इस वजह से जो है उन्होंने पूछा भी कि वापस कब आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बार आप चले गए तो आपको दोबारा ले लेते हैं और अच्छे पैसे भी देते हैं। बट मैंने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि नहीं, मेरे को अभी पहले एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर मैं देखूँगा मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। और मैं वापस आ गया था, अगस्त का लास्ट हफ्ता बाकी था जिसमें सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करी हमने। 23-24 अगस्त को मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया और फिर मुंबई से जो आना था वो मेरे को 31 अगस्त के बाद ही आना था। तो 1 सितंबर को हम यहाँ पहुँच गए थे, 31 अगस्त को हम पहुँच गए थे वैसे,
और 1 सितंबर जो था उससे मैंने जो है पढ़ाई अपनी शुरू कर दी थी। तो 1 सितंबर को पहले मैं गया लक्ष्मी नगर, वहाँ पे मैंने किताबें विताबें ली या कौन कौन टीचर से पढ़ना है क्या है, मतलब किताबें पढ़नी है क्योंकि 2 महीने में तो कोचिंग क्लासेस मिलती नहीं है तो सेल्फ स्टडी करना है, तो कहाँ कहाँ से पढ़ूंगा वो सब मैंने देखा, वो बटोर कर मैं लाया किताबें वगैरह, जो मिला उससे पूछा भाई तुमने कहाँ से पढ़ा था। लाने के बाद पढ़ाई शुरू करी। अब एएमए जो था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, इसकी मैंने पूरी अलग स्ट्रेटजी बनाई। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो था वो मेरा पहला पेपर होने वाला था ग्रुप 2 का, तो मैंने कहा भैया जब मेरे पास समय इतना कम है तो पहले एएमए पढ़ूंगा फिर उसकी रिवीजन करूंगा, 5 दिन समय वेस्ट हो जाएगा, सीधे एंड के 15 दिन जो है एएमए पढ़कर एग्ज़ाम दे दूंगा। स्ट्रेटजी चेंज करी तो लास्ट का टाइम रख लिया एएमए के लिए कि बस ये पढ़ूंगा एग्ज़ाम दूंगा काम खत्म। अब बच गए 3 सब्जेक्ट जिसमें डीटी बहुत बड़ा है, डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना शुरू करा पहले 5 दिन। कहाँ से पढ़ा? वीजी सर की जो समरी बुक होती है उससे मैंने पढ़ा। लेक्चर्स तो मेरे पास थे नहीं क्योंकि मैंने कभी बाय करे नहीं थे, सब लोग वही बुक रेफ़र करते थे तो मैं भी वही ले आया। अब वो बुक जो है मैंने जब पढ़ी, 2-3 चैप्टर करे तो मुझे लगा यार एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो मैं ये रिवाइज़ नहीं कर सकता भले समरी क्यों ना है। तो फिर मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू करे 4-5 दिन के बाद। तो डेली उठता था, पढ़ा, नोट्स बनाए, 2 घंटे का ब्रेक लिया, 2 घंटे के बाद ब्रेक लिया, फिर दोबारा आया रिवीजन करी नोट्स की, फिर आगे पढ़ना शुरू करा, फिर उसके नोट्स बनाए, फिर ब्रेक लिया छोटा सा, फिर आया, फिर पुराना रिवाइज करा, फिर बनाया, ऐसे चलते गया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस 15 दिन तक चला था। 2 दिन मैंने प्रैक्टिस मैनुअल करी थी डायरेक्ट टैक्सेशन की और 1 दिन मैंने अमेंडमेंट्स वगैरह सारी देख ली थी क्या है, तो 17-18 दिन मैंने जो है डायरेक्ट टैक्सेशन में लगा दिए। हालांकि स्टार्टिंग के 3 दिन मैंने उसके लिए दिए थे, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए दिए थे, बट वो चीज़ जमी नहीं तो फिर मैंने पहले डायरेक्ट टैक्सेशन कर लिया एंड देन आई स्टार्टेड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसके साथ जो है इसका भी करना था तो इसका जो है वो मैंने बाद में पिक करा, पहले मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस कर लिया और फिर मैंने इसका पिक करा। जो मेरा अक्टूबर का महीना था उसके पहले हफ्ते मैंने इसका के चैप्टर्स वगैरह थे वो सब मैं देखने शुरू कर लिए थे। टाइम जो है स्वप्निल पत्नी सर के कुछ पड़े हुए थे वीडियो लेक्चर्स वगैरह बट मैंने वो देखे नहीं थे, कुछ 2-4 चैप्टर के कुछ लीक्ड होंगे वीडियोस कुछ यूट्यूब पे डले होंगे, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था क्योंकि बुक तो मुझे आईसीए की रेफ़र करनी थी, वो बुक तो मेरे पास थी नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली, तो मैंने आईसीए की ही बुक रेफ़र करी और इसका के मैंने नोट्स बनाए। इसका के मैंने 4-5 चैप्टर के पूरे नोट्स बना लिए, बाकी मैंने बुक में रहने दिए। तो 4-5 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्रक्स थे, उसमें सारी चीज़ें समझाई हुई थी और पूरा जो है मेरा बेस क्लियर था इसका का कि हाँ ये 4-5 चैप्टर से जो भी आएगा ढंग से कर लूँगा। बाकी जो 4 चैप्टर हैं, 8 ही चैप्टर थे उस टाइम, तो बाकी जो 3 चैप्टर हैं उसमें थोड़ा सा मैंने मार्क कर लिया ये इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस मैनुअल एक बार रीड कर लिया, फिर भी याद इतना नहीं हो रहा था बट क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड है तो आईटी का मैं लिखकर पास तो कर ही सकता हूँ इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। तो ये चीज़ होने के बाद एएमए की जो है पढ़ाई मैंने शुरू करी और एएमए की पढ़ाई शुरू करने के लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया क्योंकि 1st ग्रुप के बाद ग्रुप 2 के एग्ज़ाम शुरू होते हैं। तो मैंने जब पढ़ा पहले हफ्ते 10 दिन पढ़ा एएमए को तो उसमें मैंने कमांड बनाई, पहले ऑपरेशन रिसर्च में कमांड बनाई, वो होने के बाद मैंने जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ना शुरू करा, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह जो इंटरमीडिएट से ही उठकर आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटिंग वहीं से उठकर आते हैं, वो सब चीज़ें मैंने करी। उसके लिए जो है मैंने संजय अग्रवाल सर के नोट्स रेफ़र करे थे, लेक्चर्स तो मेरे बहुत पहले मैंने बताया ना 30% देखे थे, बाकी मैंने नोट्स रेफ़र करे थे जो ऑलरेडी बने हुए थे, उसके कॉन्सेप्ट देख लिए, प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस कर लिए, बीच में जो है समय निकाल कर ब्रेक लेकर जब बोर हो जाता था तो इसका रिवाइज़ कर लिया या फिर मैंने जो सर्विस टैक्स कस्टम के नोट्स बनाए थे उसके लिए यशवंत मंगल की मैंने बुक रेफ़र करी थी और मनोज बत्रा सर के नोट्स रेफ़र करे थे, उन दोनों को मर्ज कर फिर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, वो नोट्स मेरे 155 पेज के बने थे, अब फेंक दिए होंगे थोड़े टाइम पहले क्योंकि अब GST आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं उसको रखकर क्या फ़ायदा, तो वो 155 मैंने बनाए कि भैया 155 पेज में पढ़ सकता हूँ 1.5 दिन में और DT में 100-150 पेज बनाए थे उतना मैं पढ़ सकता हूँ, 100-120 पेज बनाए थे, राइटिंग छोटी लिखी थी काफ़ी तो इतना मैं पढ़ सकता हूँ तो इतना ही मैं करूँगा, तो वो मेरा तैयार हो गया था। तो उसको रिवाइज़ करना था, 3-4 दिन DT पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया, 3 दिन में IGT रिवाइज़ कर लिया, फिर इसका रिवाइज़ कर लिया, फिर AMA पर आ गया, ऐसे कर AMA का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी ट्रिकी आया था, SC नंबर का अटैम्प्ट कर पाया था, ठीक से मेरा हुआ नहीं। AMA के बाद जो था मेरा इसका का एग्ज़ाम था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, अब तो खैर नया सिलेबस आ गया, मेरे को भी जो है कई साल हो गए एग्ज़ाम दिए हुए। स्वप्निल पत्नी सर की वो 1 डे रिवीजन चलती थी, अब मेरा दोस्त है उसने कहा चल चलते हैं, मैंने कहा भाई चल लेते हैं, AMA का एग्ज़ाम देकर आए और 6 बजे जो है वहाँ पहुँच गए, फ्री थी वो सबके लिए फ्री थी, बैठ गए, पढ़ा तो है नहीं मैंने सर से बट फिर भी चलो बैठ गए, चलो जो भी है कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा। रात के 10 बज गए, 10:30 बज गए, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई, फिर मैंने दोस्त को कहा चलो चलते हैं यार, काफ़ी चीज़ें हो गई, कुछ चैप्टर्स हो गए हैं रिवाइज़, आ जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर उन्हीं चैप्टर्स को ढंग से जो नोट्स वोट्स बनाए थे उससे रिवाइज़ कर लिया अपने तरीक़ों से और बाकी चीज़ें थी वो भी मैं रिवाइज़ करते गया और इसका का पेपर मैंने दे दिया। बट टेक्निकल लैंग्वेज मैंने यूज़ नहीं करी जिस वजह से मेरे नंबर कम आए, जैसे ऑडिट में नहीं करी थी, लॉ में नहीं करी थी, इसका भी मैंने टेक्निकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करी, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी जिससे नंबर मेरे कम आए। इसके बाद मेरा DT का पेपर था और DT मेरा
पहले से स्ट्रॉन्ग है डीटी मेरा, तो उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह मेरे को अच्छे से आते हैं। तो डीटी मैंने दिया, कॉन्सेप्ट बेस दिया, जो प्रोविजंस लिखे थे उन्हीं को बार बार रिवाइज कर दिया। और आईडीटी के लिए 2 दिन छुट्टी मिल गई थी उस टाइम, तो 2 दिन रिवीजन के बाद मैंने आईडीटी भी जो है पूरा का पूरा मैंने एग्ज़ाम दिए। और 2 महीने आप कह सकते हो, 1 हफ्ता ज़्यादा मिल गया था ग्रुप 2 के एग्ज़ाम की वजह से, बट फिर वो प्रिपरेशन में आपको हफ्ता भर लग ही जाता है कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो करीब करीब 2 महीने में मेरी प्रिपरेशन हुई थी सेल्फ स्टडी से। होने के बाद मैंने GMCS ज्वाइन कर लिया था, GMCS 2 जो था वो मैंने रोहिणी का ज्वाइन करा था, प्रशांत विहार में है, आउटर रिंग रोड पर है, वहाँ मैंने ज्वाइन करा था। और वो मैं GMCS अटेंड कर रहा था, अटेंड करने के साथ साथ ही जो मेरा बैच शुरू होने वाला था मैंने उससे पहले ही योगेश वर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल बना लिया था। मैंने कहा भाई पता नहीं फेल होना तो तय है इसमें, तो ग्रुप 2 तो पास होना नहीं है, कोचिंग ली नहीं है, कुछ समझ में आया नहीं है और ऐसे एग्ज़ाम्स दे आया हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज भी आती नहीं है, क्या करें। बट मेहनत बहुत करी है, 15-15 घंटे पढ़ाई करी, उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ। 15 घंटे पढ़ाई कैसे करें वो तो मैंने करी भैया, नोट्स मैंने बनाए हैं, रिवीजन मैंने पूरी करी है, चीज़ें मुझे सारी पता हैं, आंसर्स मेरे को सब पता है, टेक्निकल लैंग्वेज हो सकता है मैंने ना लिखी हो सकता है। अब ये चीज़ होने के बाद योगेश वर्मा क्लासेस चैनल बनाया, मैंने कहा डीटी पढ़ाता हूँ, इसमें रिवीजन हो जाएगी, पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, पढ़ाते हैं फ्री में, पढ़ाते हैं, किसी ने फ्री में पूरा नहीं पढ़ा है, मैं पूरा पढ़ाता हूँ, रिजल्ट से पहले पहले ख़त्म कर देंगे, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। तो मेरा GMCS भी चल रहा है, साथ में मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, क्लासेस में पढ़ाए जा रहा हूँ, फ्री में डाले जा रहा हूँ। और करीब करीब मैंने 15 जनवरी से पहले पहले पूरा इनकम टैक्स 50 घंटे में 50 क्लासेस का वो पूरा कर लिया। आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, अनलिस्टेड वीडियोस में अवेलेबल है क्योंकि पुराने वीडियोस हो गए हैं, पर मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर अवेलेबल ऑलरेडी हैं। अभी तो लेटेस्ट भी डाल रखे हैं मैंने योगेश वर्मा क्लासेस चैनल पर, पिछली बार वाले अमेंडमेंट के साथ, तो आप इस बार भी देख सकते हैं, तो वो मैंने डाल रखे हैं। 4 बार जो है फ्री में जो है टैक्सेशन मैंने पढ़ाया है, इनकम टैक्स यूट्यूब पर डाला है। तो वो चीज़ हो गई, रिजल्ट आना वाला था, अब रिजल्ट का मैं वेट कर रहा था, भाई CA का रिजल्ट आने वाला है, अब क्या करें। ये तो टेरिस से नीचे वाले फ्लोर पर लेटा था आराम से, आएगा, लेट हो ही जा रहा है, 5 बज गए, रिज़ल्ट नहीं आया, लिस्ट आ गई। मैं लिस्ट को डाउनलोड कर लिया, नाम सर्च करा, योगेश वर्मा आ गया, योगेश वर्मा सेकंड लिखा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका लिस्ट आया होगा, सेकंड ग्रुप दिया है, क्या है पता नहीं। फिर सर्च करा भाई रिजल्ट कब आ रहा है, देखा तो वो लिस्ट आई है, लिस्ट में जिनका नाम है वो क्लियर हुए उनका ही नाम है। तो फिर मैंने कहा चलो हो गया होगा भाई, रिजल्ट देखा तो नहीं बट उसके भरोसे मान लिया चलो क्लियर हो गया होगा। फिर रिजल्ट भी आ गया, खुल नहीं रहा था और मैं खुश था, चलो भाई ठीक है, इतनी मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, हो गया होगा, अच्छे नंबर आए होंगे, एग्जामिनेशन आई होगी, CA बन गया मैं, तो मज़ा आ गया। क्योंकि वो लिस्ट आ गई थी तो कोई भी देख सकता था, तो मेरे मामा जी जो CA हैं, पार्टनर भी हैं एक बड़ी फर्म में, तो उनका भी कॉल आ गया, भाई कांग्रेचुलेशन CA बन गया, क्योंकि उन्होंने भी लिस्ट में तो नाम देख ही लिया होगा। और फिर मेरे कज़न ब्रदर का कॉल आया जो भी शायद CA कर रहा है, बेंगलोर में है वो, उसने कहा रोल नंबर बताओ मैं देखता हूँ रिजल्ट। मैंने कहा देख ले भाई, डाला उसने, वो डालने के बाद जो रिजल्ट के नंबर पता है, कहता 200 नंबर आए हैं, दिल बैठ गया मेरा, मैंने कहा क्या 200 आए हैं, बस एक नंबर कमा था तो चारों फिर देने पड़ते। घर पर आया, रिजल्ट देखा 200, तो खुशी दुगनी हो गई यार, 200 नंबर पे पास होना था। मैंने दोस्त का देखा था, दोस्त मेरा 400 नंबर पे दोनों ग्रुप पास हुआ था, मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना था, पहले सोच रखा था, वो हो गया फाइनली, तो वो भी एक खुशी है। तो रैंक ले आओ आप, ये दूसरा है, पहली बार में जाओ, कम समय में पढ़ो और बस क्लियर कर लो और 200 नंबर से क्लियर कर लो, तो उसकी एक अलग खुशी है, ज़िंदगी भर आपको याद रहती है, तो वो भी एक मज़ा था। नंबर ऐसे थे कुछ 49-51, 45-55, तो 49-51 एक एक नंबर कंपनसेट कर दिया और 45-55 पूरे 50% बन गए मेरे। 55 नंबर इनडायरेक्ट टैक्स में आए थे और एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे 51 मार्क्स आए थे, तो बाकी 2 में मेरे कम नंबर आए थे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे, उतना रट्टाफिकेशन नहीं हो पाया था, 2 ही महीने का टाइम था, 15-15 दिन पढ़ा था, 17 दिन पढ़ा था मैक्सिमम। तो ये जर्नी रही और जर्नी के बाद मैं खाली नहीं बैठा, उसके बाद फटाफट से मैंने हफ्ते भर के अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, यस बैंक का इंटरव्यू भी हुआ था, साइकोमेट्रिक राउंड भी हुआ था, दिमाग ख़राब कर दिया था उन्होंने, और मुंबई लोकेशन दे रहे थे, नहीं जाना था तो सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे, और जगह हो रहा था ICICI वगैरह पे, ICICI बैंक में हो रहा था, नहीं जाना था, रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट थी, नहीं जाना था, KPMG के HR ने बुलाया, ज्वाइन कर ली और जॉब करते करते ICICI कैंपस प्लेसमेंट हो गया रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में। उससे पहले फास्ट करियर था, उसके थ्रू मेरा वेदांता में हो गया था जहाँ 13.5 लाख रुपये का पैकेज था, उसमें वही फर्स्ट अटैम्प्ट देखते हैं, चाहे ग्रुप वाइज हो या वैसे हो, तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, आपके परसेंटेज हमेशा 70% अब होनी चाहिए, वो था, रेगुलर कॉलेज कुछ होना चाहिए, वो भी देखते हैं शायद, सब कुछ था मेरे पास, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए थी, GD वगैरह क्लियर हो गया, सिलेक्शन हो गया, बट भेज रहे थे वही छोटी मोटी लोकेशन, मतलब कहीं टूटी कोरिन भेज रहे थे मुझे तमिलनाडु में, वहाँ मुझे जाना था टूटी कोरिन लोकेशन में,
फैक्ट्री गांव वगैरह में मेरे को रहना नहीं था, मुझे तो इंडस्ट्री में काम करना था। नोमीरा देख कर आया था तो मुझे वैसे ही लोकेशन चाहिए थी, तो इसलिए मैंने RBS चूज़ कर ली और RBS में काम करा मैंने काफ़ी टाइम। पर फोर्स आते गया कि नेक्स्ट लेक्चर्स कब आएंगे और कब पढ़ाओगे आप, तो मैं पढ़ाते गया और साथ में फिर एक डिसीजन लिया कि चलो अब नौकरी को छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। और पूरा जो सी एंटर का ग्रुप वन है वो मैंने एक सब्जेक्ट की प्राइस में पूरा करा दिया, जो कि आज भी LearnZap पर अवेलेबल है। LearnZap की वेबसाइट नीचे आ रही है, आप ले सकते हैं सी इंटरमीडिएट ग्रुप वन पूरा का पूरा एट द प्राइस ऑफ जस्ट वन सब्जेक्ट। ICA मॉड्यूल पूरा कवर्ड है, जैसे मैंने मॉड्यूल पढ़ा तो मैं मॉड्यूल पढ़ा सकता हूँ सर। मैंने ग्रुप वन, ग्रुप टू फाइनल हो, इंटरमीडिएट हो, मॉड्यूल मैंने पूरा पढ़ा है, प्रैक्टिस मैनुअल पूरी पढ़ी थी, तो मुझे उसमें दिक्कत ही नहीं आती है मॉड्यूल पढ़ाने में, जो बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने वो पूरा पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने आपके बेनिफिट के लिए काम किया है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। मैं भी फाइनल में चलो ठीक है, मेरी स्टाइपेंड अच्छी थी, मैं अफोर्ड कर सकता था, बट टाइम नहीं था और मुझे प्रूव करना था कि भैया बिना कोचिंग के पैसे काटे जो हो सकता है, तो वो मैंने किया। एक भी रुपया नहीं काटा है फाइनल की कोचिंग में। इंटरमीडिएट में ज़रूर मैंने कॉस्ट FM और टैक्स की कोचिंग ली थी मैंने, बाकी सारे मैंने वही फ्री वीडियोज़ कुछ मिले तो ठीक है, नहीं तो सेल्फ स्टडी ऐसे ही मैंने जो है क्लियर करा था। और इसी वजह से जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जो है मैंने ये मुहिम चलाई है कि आप ग्रुप वन जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फ्री डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हमने दे दी है, आप अगर LearnZap को ज्वाइन करेंगे उसके स्टडी ग्रुप में आपके डाउट आते हैं पूरे साल, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स लेकर कर रहे हैं, किसी और फैकल्टी के भी कर रहे हैं, तो भी डाउट आपके हम सॉल्व करते रहेंगे। संडे को लाइव सेशन मैंने कंडक्ट करना शुरू कर दिया, हर संडे को होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बात करना चाहते हो, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं मेरी CA जर्नी में रही है। और कुछ मैं एडिशनल बातें बताना चाहता हूँ। नोमीरा का जो फील था वहाँ पर, 7-star होटल में पार्टी होना, लड़की डांस कर रही है, समझ रहे हो आप, जैसे पिक्चरों में देखते हो वो वाला माहौल, तो गज़ब चीज़ें थी। दारू वगैरह ऑफर होनी वो सब, मतलब पार्टी में मतलब गज़ब मज़ा आएगा। मतलब ऐसा जो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट होती है ना रियल में, हाँ, तो वो सब जो चीज़ें जब देखी तो एक मतलब लाइफ का एक बहुत ही बढ़िया जो है मेरा वो एक्सपीरियंस रहा, आज तक मुझे याद है। नोमीरा ने मुझे बनाया है और बहुत सारे और इंडस्ट्रीज़ ने और फर्म्स ने जहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला उनने मुझे बनाया है। बाकी मेरी खुद की मेहनत है बहुत ज़्यादा, तो सेल्फ स्टडी है, खुद की मेहनत है। और अब मैं इस चैनल के थ्रू आपको गाइड करता हूँ, बट आज के वीडियो में मैंने वो बहुत बड़ा राज खोल दिया, वो वाला जो लॉ के पेपर में हुआ था, आज तक मैंने छुपा के रखा था, बट ऐसी चीज़ें जो है ज़िंदगी में हो जाती है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे गाइडेंस वीडियोस आ रहे हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड बाय।